सोशल मीडिया के जरिए मानवता को शर्मसार कर देने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक 5 महीने की गर्भवती महिला को अपने पति के खून से सने बिस्तर को साफ करने के लिए मजबूर किया गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में गर्भवती महिला को स्थानीय सामुदायिक केंद्र में अपने पति के खून से सने बिस्तर को साफ करने के लिए मजबूर करने के मामले में एक डॉक्टर और 2 नर्सों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल गुरुवार शाम लालपुर सानी गांव में जमीन विवाद के बाद शिवराज मरावी और उसके परिवार के सदस्यों पर 25 लोगों के एक समूह ने हमला किया था, जिसमें उनके रिश्तेदार भी शामिल थे। शिवराज को इलाज के लिए गढ़दासरी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को सामने आए एक वीडियो में कथित तौर पर शिवराज की पत्नी रोशनी को उनके पति की मौत के तुरंत बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खून से सने बिस्तर को साफ करने के लिए मजबूर किया गया, जो कि 5 महीने की गर्भवती है। इस घटना के बाद शनिवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इलाज कर रहे डॉक्टर को स्थानांतरित करने और 2 नर्सों को निलंबित करने के आदेश जारी किए। 2 नवम्बर को नोटिस में CMHO ने लिखा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पाया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाड़ासराई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृतक की पत्नी से अस्पताल का बिस्तर साफ कराया गया है। स्वास्थ्य केंद्र में आउटसोर्सिंग के माध्यम से अस्पताल की सफाई की व्यवस्था होने के बावजूद मृतक की पत्नी से अस्पताल का बिस्तर साफ कराया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।